सभा 2 बजे के लिए स्थगित रही। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उसे भी सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर मुद्दे वही पुराने रहे। लेफ्ट पार्टियों ने पीपीपी और कॉर्पोरेट सेक्टर को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग की। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ और बसपा उसके साथ नजर आई। वहीं बीजेपी ने पीएम द्वारा बुलाए गए रात्रि भोज के बावजूद नियम 184 के तहत बहस और एफडीआई पे मतदान की मांग नहीं छोड़ी। दुख इस बात का नहीं कि लोकपाल बिल लगभग एक दर्जन बार टेबल तो किया जाता है लेकिन पास नहीं किया जाता। दुख इस बात का भी नहीं कि काम के जो घंटे इन संसद में मुफ्त में जाया होते हैं वो हमारी खून पसीने की कमाई से आते हैं। लेकिन टीस उठती है कि जिन नेताओं को हमने वोट देकर लोकतंत्र के मंदिर पहुंचाया अब वही उस वोट के नाम पर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे। उम्मीद की किरण सोमवार को सर्वदलीय बैठक से है, क्या पता कोई बीच का रास्ता निकल जाए। माया सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार मिश्रा के आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। दवा सप्लायर गिरीश मलिक ने उनपे 5 लाख रुपए के घूस लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई के सरकारी गवाह और दवा सप्लायर गिरीश मलिक ने सीबीआई की विशेष कोर्ट में बताया कि नए प्रोजेक्ट प्लान में उनके कुछ प्रोडक्ट डालने के एवज में अनंत कुमार मिश्रा ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। गिरीश मलिक ने उन्हें 20B गौतम पल्ली पे 5 लाख रुपए देने की बात भी कही है। गिरीश मलिक आयरन और फोलिक एसिड की सप्लाई करना चाहते थे। गिरीश मलिक का यह बयान सीबीआई की रडार पे चल रहे अनंत कुमार मिश्रा अंटू के खिलाफ एक नए सबूत का काम करेगा। आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों पर से मुकदमे वापस लेने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में कोर्ट ने सूबे की सरकार से सवाल जवाब करते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि कौन आतंकी है और कौन नहीं। कोर्ट ने राज्य सरकार से फटकार लगाते हुए कहा कि मुकदमा वापस लेने की तैयारी कर सरकार क्या आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज आतंकियों को छोड़ देंगे तो क्या कल उन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूबे की सरकार ने आतंकी हमलों में शामिल लोगों के मुकदमों को वापस लेने के लिए उनकी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में इस मामले में हाईकोर्ट में सरकार के इस कदम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान ही सूबे की सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सही माना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा सरकार जनित बताकर जो फैसले ले रही है उसे ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अदालत समाजवादी पार्टी की यूपी सरकार की मनमानी चलने देगी। वहीं पर बीजेपी के नेता विनय कटियार ने भी इस मसले पर कहा कि आतंकी वारदात के आरोपियों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए। समझती हूँ कि अब तो माननीय हाई कोर्ट इसमें दखल दे रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है अदालत के ऊपर कि अदालत समाजवादी पार्टी की सरकार को तो खास तौर से आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में वो उनकी मनमानी को नहीं चलने देगी, मुझे पूरा भरोसा है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक गुणा भाग में लगी यूपी की सरकार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही इस मुद्दे पर अपने कदम वापस खींच लेगी। सुखदेव सिंह नामधारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामधारी पर हत्या का प्रयास, डकैती और जबरन घुसने जैसे संगीन 7 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ ने नामधारी को उधम सिंह नगर के बाजपुर से हिरासत में लिया था। पोंटी चड्डा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को नामधारी की तलाश थी। गुरुवार रात ही दिल्ली पुलिस की टीम उधम सिंह नगर पहुंच गई। काफी तलाश के बाद नामधारी को उनके बाजपुर के ताली फार्म से उठाया गया। इस केस की सारी रिपोर्ट भी पहले ही दर्ज कराई है, मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई है और
रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुझे कहा कि ठीक है आप जाइए, रिपोर्ट दर्ज होगी, जब जरूरत होगी तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। सुखदेव सिंह नामदारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामदारी पर हत्या का प्रयास, डकैती और जबरन घुसने समेत 7 संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पोंडिचड्डा के आर्म्स लाइसेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पोंडिचड्डा का एक हाथ नहीं था, इसके बावजूद पोंडिचड्डा को एक नहीं बल्कि 2-2 लाइसेंस इशू थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शारीरिक तौर पर अपंग होने के बावजूद पोंटी को लाइसेंस कैसे दे दिए गए। सूत्रों के मुताबिक पोंडिचड्डा और उसके भाई हरदीप को साल 1991 में यूपी के रामपुर डीएम कार्यालय से 26 जून को 4 आर्म्स लाइसेंस जारी किए गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शारीरिक तौर पर अपंग होने के बावजूद पोंटी को लाइसेंस कैसे दे दिए गए। पोंडिचड्डा और उसके भाइयों को 1991 में यूपी के रामपुर डीएम कार्यालय से 26 जून को 7 लाइसेंस जारी किए गए थे। एक ही दिन में 7 लाइसेंस जारी करना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं बल्कि पोंटी के पास साल 1983 में आर्म्स लाइसेंस पहले ही था। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी का कहना है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो भी मसला सम्मुख आएगा और उसमें कानून सम्मत कार्रवाई प्रत्येक विषय पर होगी। हमारा कानून और संविधान में पूरा विश्वास है और कानून जिस बात के लिए आज्ञा देगा उसका हम अनुपालन करेंगे, कानून के जो प्रावधान होंगे उनको लागू करेंगे। आपको बता दें कि बचपन में ही पोंडिचड्डा ने एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ व दूसरे हाथ की 3 उंगलियां गवा दिया था, बावजूद उसके उसको हथियारों के लाइसेंस इशू किए गए। आईएसी नेता अरविंद केजरीवाल शनिवार को अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। देशभर से बुलाए गए अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी के संविधान और नाम की घोषणा करेंगे। गाजियाबाद में केजरीवाल के सहयोगी मनोज सिसोदिया ने बताया कि ये सप्ताह टीम केजरीवाल का लॉन्चिंग सप्ताह होगा और इस सप्ताह में राजनीतिक पार्टी को लेकर स्थिति साफ कर दी जाएगी। अगले कुछ दिन या अगला एक सप्ताह करीब करीब लॉन्चिंग वीक के रूप में रहेगा। कल यानी 24 नवंबर को हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें देश भर से कई सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और पार्टी की फाउंडेशन स्टोन एक तरह से रखी जाएगी कि उसके संविधान को लोग अडॉप्ट करेंगे, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, पूरे देश में कौन कौन लोग अब इस पर काम करेंगे घूम के पूरा समय लगा के, ऐसे 20-25 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और संविधान के अडॉप्ट होने के बाद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चयन के बाद में एक पार्टी का नाम फाइनल करके पार्टी का नाम कल अनाउंस किया जाएगा। इस मौके पर सिसोदिया ने साफ कर दिया कि पार्टी में अध्यक्ष और महासचिव जैसे कोई पद नहीं होंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कैग की रिपोर्ट पर कैग के ही पूर्व अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व डीजी आरपी सिंह इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे जो विनोद राय ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में बनाई थी। आरपी सिंह की माने तो रिपोर्ट में उनके हस्ताक्षर दबाव डालकर कराए गए। सिंह ने आरोप लगाया है कि इस रिपोर्ट में घाटे का अनुमान बगैर सबूत के ही लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि आरपी सिंह ने यह भी कहा कि वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, बावजूद इसके इस रिपोर्ट पर उनके दस्तखत कराए गए हैं। सिंह ने कहा कि उनके मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सिर्फ 2,645 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, लेकिन सीएजी की तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस घाटे को 1,76,000 करोड़ रुपए बताया गया। सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के साथ ही सिंह ने पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी पर भी आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट को बनाने से पहले सीएजी के अफसरों ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी। और इम्प्लीमेंटेशन जो है इन गाइडलाइंस का बहुत जरूरी है अगर आप परफॉर्मेंस ऑडिट करना चाहते हैं। इस केस में ये चीज नहीं, इसकी गाइडलाइन जो हमने बना के भेजी थी उनका जो डिप्टी सीएजी उस वक्त के थे रिपोर्ट सेंटर के, उन्होंने गाइडलाइन का अप्रूवल मुझे नहीं दिया। वो अपनी रिपोर्ट फाइनल कर रहे थे, जो अपना परीक्षण कर रहे थे वो अपनी रिपोर्ट फाइनल कर रहे थे। उस सिलसिले में वो बुलाते थे, कई बार हम जाते थे। सीएजी साहब ने खुद कहा है कि ये जो 1,76,000 करोड़ का लॉस है ये डिबेटेबल, ये क्वेश्चनेबल है, इस पर बहस हो सकती है, बेस्ड है नॉर्म्स के ऊपर, प्रिजम्पशंस के ऊपर, सो इट्स नॉट एक्चुअल लॉस, इट्स नॉट फाइनल लॉस फिगर। सिंह ने जोशी पर इस रिपोर्ट को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, वहीं जोशी ने इन रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया है। 22 सालों से यूपी में खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन आज भी अंतर्कलह की वजह से पार्टी निपट नहीं पाई है।
संत कबीरनगर में पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाल जानने पहुंचे कांग्रेस के जोन उपाध्यक्ष और बहराइच विधानसभा के विधायक मुकेश श्रीवास्तव का विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जुबानी जंग हाथापाई में तब्दील हो गई और उन्होंने बैठक का विरोध करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर विधायक मुकेश श्रीवास्तव को मौके से खिसकना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे मुकेश श्रीवास्तव ने जैसे ही अपनी बात करनी शुरू की पुराने कांग्रेसियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद बैठक हंगामे में तब्दील हो गई। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी सबके सामने आई है। आगरा थाना सलिया इलाके में आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो थाना सलिया के गांव तेहरा से करीब 8 से 10 लोग ट्रक में सब्जी लाद रहे थे, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक के चालक और 2 ग्रामीण समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में शिकार हुए सारे लोग तेहरा के आसपास के ही रहने वाले थे। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जबकि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे छात्रों पर विश्वविद्यालय के गार्ड व कर्मचारियों ने जमकर लाठीचार्ज किया। फीस वृद्धि को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे छात्र संघ के नेताओं को कर्मचारियों ने गेट पर ही रोक दिया और गेट खोलने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी से नाराज कुल सचिव ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और गार्डों से इन छात्रों पर लाठीचार्ज करा दिया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। इस लाठीचार्ज के बाद कानपुर के कई कॉलेजों के नेताओं ने मिलकर विश्वविद्यालय के गेट को जाम कर दिया और कुलपति के इस्तीफे की मांग की। बाबा रामदेव पर फिर कसा शिकंजा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के तहत ADM कोर्ट में धारा 52 और 53 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही बाबा रामदेव मथुरा पहुंचे। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन को लेकर बाबा रामदेव पर धारा 52 और 53 लगाई गई है। आपको बता दें कि बीती 16 अगस्त को सैंपलिंग हुई थी, वहीं दूसरी ओर मथुरा के वृंदावन पहुंचे रामदेव ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। रामदेव ने आश्रम में पत्रकारों से कहा कि भ्रष्टाचार से देश नरक बन गया है। वहीं बाबा रामदेव कसाब की फांसी पर संतुष्ट नजर आए। आचार्य चाणक्य ने तो एक आदर्श राज्य व्यवस्था का सूत्र ही दिया, धर्म सत्ता के द्वारा राज सत्ता नियंत्रित रही तब तक देश में सुख समृद्धि थी, देश में चरित्र था, सदाचार था। अब सदाचार की जगह भ्रष्टाचार और दुराचार व्यभिचार और ईमानदारी की जगह बेईमानी, इस तरह से पूरा देश नर्क बन गया है। तो वापस अब धर्म सत्ता को निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से राज्य सत्ता पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए और देश को वापस धर्म सत्ता के हाथों में दे देना चाहिए। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने लगभग 3 महीने पहले एक लकड़ी कारोबारी पन्ना लाल की हत्या का दोबारा खुलासा किया है। इस हत्याकांड में परिजनों की तहरीर पर पुलिस नसीम नाम के एक व्यक्ति को जेल भेज चुकी है। अब मामले का दोबारा खुलासा होने पर कातिलों के नए चेहरे सामने आए हैं, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मामला गाजियाबाद के मसूरी इलाके का है। मसूरी के भूड़गड़ी इलाके में अपनी आरा मशीन पर सो रहे 55 वर्षीय पन्नालाल की 21 अगस्त की रात गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। चूंकि पन्नालाल के बेटे की रंजिश उन दिनों भूड़गड़ी में रहने वाले आबाद नाम के शख्स से थी, इसलिए मृतक के परिजनों ने आबाद और उसके भाई नसीम सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का